ओके सो हाई एवरी वन, दिस इज़ मयंक कोठारी एंड इंस्टीट्यूट हैज़ कम अप विद न्यू अनाउंसमेंट टुडे. राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन माई मोबाइल फोन, दैट्स जस्ट बिकॉज राइट नाउ आई एम एट नागपुर एयरपोर्ट, आई एम गोइंग टू दिल्ली. सो द अनाउंसमेंट इज़ रिलेटेड टू द न्यू कोर्स. इंस्टीट्यूट ने कुछ FAQs एंड ऑल दैट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर डाले हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि क्या अनाउंसमेंट है. ध्यान से देखेंगे. कहाँ गया? अच्छा, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है. आप अगर आपको अनाउंसमेंट दिखेगा तो ये रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर CA कोर्स FAQs एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, ये 1 जून का अनाउंसमेंट है, यानी कि आज अनाउंस किया गया है. लेट्स सी कि क्या अनाउंसमेंट है, क्या डिटेल्स इंस्टीट्यूट ने शेयर करी है न्यू स्कीम से रिलेटेड. दिस विल गिव यू मच क्लैरिटी ऑन व्हाट इज़ द न्यू कोर्स एंड कब से अप्लीकेबल होगा, कितने अटेम्प्ट्स रहेंगे एंड ऑल दैट थिंग. सो प्लीज़ पे अटेंशन. मैं फाउंडेशन के बारे में पहले बता रहा हूँ आपको. फाउंडेशन पे अगर आप ध्यान देंगे तो फाउंडेशन की लास्ट डेट है CPT रजिस्ट्रेशन में. अच्छा, जो ओल्ड कोर्स है उसमें लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 30 जून. तो ये फाउंडेशन, IPCC और फाइनल तीनों पे अप्लीकेबल है. जो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का डेट शुरू होगा, दैट इज़ 1st of July 2017. अब ध्यान देंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि अभी तक बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे एंड लॉट ऑफ पीपल वेर आस्किंग मी क्वेरीज ऑन दैट. द फर्स्ट एग्जाम टू बी हेल्ड फॉर फाउंडेशन इज May 2018 एंड लास्ट CPT एग्जाम टू बी हेल्ड इन June 2019. अब आप देखेंगे कि नीचे अगर आपको 5th पॉइंट पे आप देख रहे हैं, तो फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट जो शुरू होगा वो है May 18 और उसके आगे फिर November 18, May 19 एंड ऑल दैट थिंग. ओके, एंड CPT का जो 3 अटेम्प्ट आपको दिए गए हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो आपको दिए गए हैं, वो शुरू हो रहे हैं June 18 से, December 18 से और June 19 से. तो बेसिकली आज की डेट से हम देखें तो आपके पास में 4 अटेम्प्ट है. November 17 वाला भी इंक्लूड हो गया. ठीक है, ये हो गया आपके CPT के लिए कि CPT वालों को 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं. और वो कौन से 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट रहने वाले हैं, मतलब ये 3 अटेम्प्ट में CPT की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में CPT का एग्ज़ाम नहीं देने मिलेगा. नाउ कमिंग अप विथ वन क्वेश्चन, दैट अगर आपका पहला अटेम्प्ट June 19 में आता है CPT का, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और CPT का June 19 में आता है, तो वो आपका आखिरी अटेम्प्ट है. उसके अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको उसके बाद November 19 में फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. नाउ कमिंग ओवर टू द इंटरमीडिएट, यानी कि IPCC जो अभी एग्जिस्टिंग कोर्स में है, तो डेट सेम है. ओल्ड कोर्स में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 30 जून, न्यू कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है दैट इज़ 1st जुलाई. फर्स्ट एग्ज़ाम जो इंटरमीडिएट की होगी बोथ ग्रुप्स या बोथ रूट्स के लिए, यानी कि या तो आप फाउंडेशन वाले या CPT वाले रूट से आओ या तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री वाले रूट से आओ. सो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगी वो May 2018 में शुरू होगी, यानी कि November 2017 में न्यू कोर्स अप्लीकेबल नहीं है कोई भी एग्ज़ाम. सॉरी, दिस वॉज अ कॉल फ्रॉम समवन, जाने दो उनको, अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो November 2017 में ओल्ड कोर्स ही अप्लीकेबल है. तो जिन का एग्ज़ाम November 2017 में है उनको ओल्ड कोर्स ही देना है, कोई न्यू कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा November 2017 में. अब इंटरमीडिएट या IPCC वालों को भी 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिले हैं, मतलब अगले 3 एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो है May 18, November 18 और May 19. इन 3 एग्ज़ाम्स में IPCC भी चलेगा इंटरमीडिएट के साथ में, मतलब पैरेलली इन 3 एग्ज़ाम्स में ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों साथ में चलेंगे. उसके बाद May 19 के बाद IPCC बंद हो जाएगा और फिर इंटरमीडिएट ही रहेगा, चलेगा. अब ध्यान दें, November 2017 भी एक एक्स्ट्रा कोर्स है, मतलब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट सॉरी जो आपको मिल रहा है. तो आज से अगर हम डेट्स निकालें तो November 17 से लेके 4 अटेम्प्ट है IPCC के जो आप ओल्ड कोर्स में दे सकते हैं, उसके बाद न्यू कोर्स. ठीक है, तो 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट CPT वालों को, 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट IPCC वालों को May 18 से, और आज से 4 अटेम्प्ट हो गए. अब आप फाइनल कोर्स की बात करते हैं. फाइनल कोर्स में डेट सेम है, 30 जून ओल्ड रजिस्ट्रेशन, ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना है तो, और 1st जुलाई अगर आपको न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना है तो. अब जो नया कोर्स की एग्ज़ाम होगी, नई कोर्स की एग्ज़ाम होगी, वो May 18 से होगी. November 17 में नया कोर्स अप्लीकेबल नहीं है. लास्ट एग्ज़ाम जो होगी फाइनल कोर्स की, जो मतलब ओल्ड कोर्स जो है जो चल रहा है CA फाइनल का, वो November 2020 लास्ट एग्ज़ाम, मतलब 2020 नवंबर तक आपके पास में टाइम है, आप ओल्ड कोर्स देते जा सकते हैं.
अगर आप छः, अच्छा अगर आप पांचवा पॉइंट देखेंगे तो सी ए फाइनल वालों को 6 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिले हैं, वो भी मई 18 से, यानी कि अगर आप नवंबर 17 भी तो काउंट करो तो 7 अटेम्प्ट है आज से लेके ओल्ड कोर्स में, जो पैरेलली चलेगा नए कोर्स के साथ में। नवंबर 2020 के बाद ध्यान देंगे, नवंबर 2020 के बाद ओल्ड कोर्स बंद हो जाएगा, यानी 2020 तक का टाइम है यार, आराम से पास हो जाओगे आप लोग। आपको कितने भी अटैम्प्ट लगे, अगर एक दो अटैम्प्ट आपने छोड़ भी देते होगी तो 6 से तकरीबन आज से देखा जाए तो 7 अटैम्प्ट है, और मई 18 से देखा जाए तो 6 अटैम्प्ट है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था ऑन न्यूज़ की, कि सर मेरा IPCC का ग्रुप 2 हो गया, एग्ज़ाम दे दिया मई 2017 में, ध्यान देंगे मई 2017 में एग्ज़ाम दे दिया आपने IPCC का ग्रुप 2, अब उसका रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट आएगा अगस्त में, और जब रिजल्ट आएगा तब आप उसको, आप अगर आप पास हो गए तो आप CA फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो अब और आपका नवंबर 2017 में एग्ज़ाम है CA फाइनल का, क्योंकि आप ग्रुप 2 IPCC का लटकते आ रहे थे इसलिए डिले हो गया, एंड नाउ नवंबर 2017 में यू विल बी अटेम्प्टिंग फॉर फाइनल। तो अब वो नवंबर 2017 में ओल्ड कोर्स अप्लीकेबल होगा कि न्यू कोर्स अप्लीकेबल होगा? अब इसमें एक क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ वो चीज़ की, ओल्ड कोर्स नवंबर 2017 में अप्लीकेबल है, सॉरी न्यू कोर्स अप्लीकेबल नहीं है। तो न्यू कोर्स की तो चिंता छोड़ ही दो, जिनकी नवंबर 2017 एग्ज़ाम है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यू स्कीम से, CPT फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल कुछ भी हो जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे CA फाइनल का इन नवंबर 2017 एग्ज़ाम के लिए तो वो कैसे होगा? एक तरफ इंस्टीट्यूट बोलती है कि नवंबर 2017 में नया कोर्स अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक तरफ इंस्टीट्यूट हम जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो डेट जा चुकी होगी तो न्यू कोर्स में कराएंगे। तो इस पे क्लैरिटी इस वाले अनाउंसमेंट में तो नहीं है, लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि अगर आपको नवंबर 2017 के लिए रजिस्ट्रेशन आप कराते हो तो ओल्ड कोर्स ही अप्लीकेबल होगा, गारंटीड है। अब और क्लैरिटी इस पे चाहिए होगी कि इंस्टीट्यूट कुछ नया तो नहीं लेके आएगी उनके लिए जो लाइक नवंबर 17 में ही फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, देर आर चांसेस तो बहुत कम है इस चीज़ के। लेकिन अगर नवंबर 2017 एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपको ओल्ड कोर्स अप्लीकेबल है, नया कोर्स तो आ ही नहीं रहा है नवंबर 2017 से, इट इज़ कमिंग फ्रॉम मई 2018, सो डोंट वरी अबाउट द न्यू कोर्स। ऑल दोज पीपल हु आर अपियरिंग फॉर नवंबर 2017 एग्ज़ाम, डोंट वरी। अच्छा, यू माइट बी थिंकिंग दैट वाई आई एम लुकिंग इधर उधर बिकॉज आई एम सिटिंग एट एयरपोर्ट एंड पीपल आर लुकिंग एट मी, बिकॉज ऐसे मैं क्या मोबाइल फ़ोन पकड़ के कुछ तो बोले जा रहा हूँ, ठीक है? सो इट इज़ वेरी वियर्ड फॉर लाइक देम, लाइक फॉर दीज पीपल, मे बी आई एम नॉट दैट मच, मैं तो बेशरम हूँ, मैं तो कहीं भी रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा। सो आई होप लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन क्लियर विथ यू। प्लीज़ गो टू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड डाउनलोड दिस नोटिफिकेशन। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव क्लैरिटी टू यू पीपल टुमोरो। आज मैं शायद कोई भी आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आई विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली एंड मैं 11 बजे तक घर वगैरह पहुँचूंगा, तो देर विल नॉट बी एनी टाइम। कल आई विल मेक श्योर कि आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। सो गो अहेड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।